नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये हमारा क्विज का सेशन है, ठीक है, जिसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वैदिक काल, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी कुषाण साम्राज्य और डी महाजनपद। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। देखिए, इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में सभ्यता थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? चार ऑप्शन है आपके पास, 1600 ईस्वी से 600 ईस्वी से 658 ईस्वी, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, ऑप्शन सी है 602 से 665 ईस्वी और ऑप्शन डी है 565 से 600 ईस्वी। तो बताइए। देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 606 से 647 ईस्वी। ओके, और हर्ष के बारे में अगर हम जानकारी चाहें तो हर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है हर्ष चरित से, हर्ष चरित से, जिसकी रचना इन्हीं के दरबारी कवि एक थे बाण भट्ट, इन्होंने की थी। ठीक है, इन्हीं के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, इन्होंने इसकी रचना की थी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 1799, बी है 1804, सी है 1802 और डी है 1815। बताइए। देखिए, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अमेरिका में सीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 का अधिनियम क्या कहलाया था? अमेरिका में सीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया था? आपका ऑप्शन है ए स्टाम्प एक्ट, बी ग्रैनविल एक्ट, सी सुगर एक्ट और डी सीरा प्रतिबंध एक्ट। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी सुगर एक्ट। क्या होगा? सी सुगर एक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए जेनेवा, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी पेरिस। बताइए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल जो है, इसका सचिवालय जो है ये आपका पेरिस में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 2005, बी 2007, सी 2009 और डी है ऑप्शन 2010। बताइए। देखिए, भुगतान और निपटान प्रणाली जो है ये हमारा 2007 में ये एक्ट पारित हुआ था, लेकिन अगर भारत में देखें, भारत के विषय में अगर बात करें तो इंडिया में ये 2008 में लागू हुआ था। ठीक है, इंडिया में ये 12 अगस्त 2008 में लागू हुआ था। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। और यह जो मंदिर है ठीक है, यह किससे निर्मित है? चट्टान स्थित प्रसिद्ध कला है, ठीक है, ये चट्टान स्थित प्रसिद्ध कला है। ओके, यहां तक क्लियर है। और यहां पर जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा में क्या कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 64 मठ और गुफाओं में, ठीक है, 64 और मठ और गुफाओं में ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये विश्व में प्रसिद्ध है। ओके, कितने मठ हैं? 64 मठ और गुफाओं में कैलाशनाथ मंदिर प्रसिद्ध है एलोरा का, ठीक है। तो आगे एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तो कैलाशनाथ मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ है तो आपका ऑप्शन होगा एलोरा, और अगर पूछा जाए किसने बनवाया था तो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। यहां तक क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या है प्रश्न? धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 110, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 111, सी है 113 और डी है 115। बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए अनुच्छेद 110। ओके क्लियर है, धन विधेयकों का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 110 में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ओके क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? आपका ऑप्शन है ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी वन, सी स्टॉक एक्सचेंज और डी है कृषि। बताइए, देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वन। और समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वह सूची होती है जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों कानून इसमें बना सकती हैं समवर्ती सूची में। ओके यहां तक क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन था? तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है ए नक्कीदर, बी एलारा, सी चिंतामणि और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नक्कीदर, ठीक है। इस समय जो तमिल तृतीय तमिल संगम के अध्यक्ष थे वो थे नक्कीदर। और इसी समय तमिल साहित्य का क्या चल रहा था? स्वर्ण काल चल रहा था, यानी स्वर्ण युग चल रहा था। ओके जब ये नकीरर यहाँ के इसके अध्यक्ष थे तृतीय तमिल संगम के, तो इसका स्वर्ण युग चल रहा था। ओके अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी लाला लाजपत राय, सी कस्तूरबाई लाल भाई, डी वही है कस्तूर भाई लाल भाई। तो आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ओके और ये जो है जब इन्होंने जो पहला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन हुआ था 31 अक्टूबर 1920 में, जिसके अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय की। और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, ठीक है, इसको बॉम्बे अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए गारफील्ड, बी कैनेडी, सी अब्राहम लिंकन और डी जॉनसन। बताइए, देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। कौन सा आंसर होगा? अब्राहम लिंकन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया था? क्या क्या प्रश्न है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो कहाँ स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है ए
सैन फ्रांसिस्को, बी याल्टा, सी पेरिस और डी बर्न। बताइए। देखिए आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को। ओके, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो कहां पे स्वीकार किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। ओके, यहां तक क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। बताइए क्या होगा। देखिए ये जो स्टिलवेल रोड है ये जुड़ता है चीन से। ठीक है, आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको ये कहां से कहां जाता है? ये असम में है, एक असम में एक जगह है लेडो। ठीक है, असम में एक जगह है लेडो, वहां से होते हुए चीन के, असम के लेडो से होते हुए चीन के कुनमिंग तक जाता है। ठीक है, चीन के कुनमिंग तक जाने वाला ये मार्ग है। ओके, और इसकी जो ये कब बनाया गया था? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया गया था। इसका निर्माण जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, और तब उस समय इसका नाम था, जब ये बनाया गया था तो इसका नाम था लेडो। फिर इसके बाद में इसका 1945 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टिलवेल रोड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्टिलवेल रोड, क्योंकि उस समय वहां के जो अमेरिका के जनरल थे उनके नाम पर यह रखा गया। उनका नाम था जोसेफ स्टिलवेल। ओके, उनका क्या नाम था? जोसेफ स्टिलवेल, ये उनका नाम था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? ओके, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है ए राजसमंद, बी बीकानेर, सी भीलवाड़ा और डी जैसलमेर। बताइए क्या होंगे। देखिए जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राजसमंद। ओके, राजसमंद ये जो है ये 578 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, 578 किलोमीटर स्क्वायर में ये इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया जो है कितना है 578 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं भारतीय तेंदुए यहाँ मिलते हैं, जो आलसी भालू, लकड़बग्घा, हिरन, जंगली बिल्ली, सांभर, नीलगाय आदि यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कहाँ है? राजसमंद में है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थल आकृति की रचना होती है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिफ्ट घाटी, बी तालुश, सी क्रेवास और डी यारदुंग। बताइए क्या होगा। देखिए जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो रिफ्ट वैली है या रिफ्ट घाटी है ये किसके कारण से बनती है? विवर्तनिकी की गतिविधियों के कारण ये बनती हैं। ओके, विवर्तनिकी की गतिविधियों के कारण होने वाले भ्रंश से इनका निर्माण होता है। ठीक है, विवर्तनिकी के जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, उनमें जब गतिविधियां होती हैं, जब ये प्लेट में टेंशन होता है और ये दूर दूर जाती हैं, जब इनमें टेंशन फोर्स लगता है तो ये किधर दूर खिसकती हैं। ठीक है, जब दूर खिसकती हैं तो उसी से भ्रंशन की प्रक्रिया होती है और भ्रंशन से ही रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, समाज के गरीबों की मदद के लिए सरकार उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर अनाज प्रदान करती है, इस कीमत को क्या कहा जाता है? ओके, क्या क्वेश्चन है? समाज के गरीबों की मदद के लिए सरकार उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर अनाज प्रदान करती है, इस कीमत को क्या कहा जाता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इशू मूल्य, बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य,
सी है अधिकतम समर्थन मूल्य और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए इश्यू मूल्य। क्या होगा? ए इश्यू मूल्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सीजेआई सहित की कुल संख्या क्या है? सीजेआई मतलब मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो बताइए क्या है आपके ऑप्शन है ए 28, बी 29, सी 30 और डी 31। बताइए क्या होगा। देखिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 31। आपने पढ़ा होगा इसमें क्वालिटी में जब न्यायाधीशों की संख्या आपको पढ़ाई जाती है तो क्या बताया जाता है, 30+1। ठीक है, 30+1 मतलब 30 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ओके, एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होता है हमारा, और 30 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है? ओके, देखिए क्या है ऑप्शन, ए सीधे लोगों के लिए, बी विधायिका के लिए और सी न्यायपालिका के लिए। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्या है, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है? ए सीधे लोगों के लिए, ऑप्शन बी विधायिका के लिए, सी न्यायपालिका के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी विधायिका के लिए। क्या होगा? बी विधायिका के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, पोरुंथल गांव में पहली शताब्दी ईस्वी से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक शीशे के मनके के कारखाने मिले, ये गांव कहाँ है? ओके, ये गांव कहाँ है तो बताइए। देखिए आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला। देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी तमिलनाडु। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरे लोगों तक इसको शेयर करिए जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिले। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्रवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? क्या क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, यहाँ पे क्या आपको बताना है, स्थल बताना है, किस स्थल से अग्रवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ओके, तो आपके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी लोथल। बताइए। देखिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी कालीबंगन। क्या होगा? सी कालीबंगन। ओके, और यहां से हमें ऊंटों की हड्डियां, अग्रवेदिकाएं और जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हमको मिला है, ऊंटों की हड्डियां मिली हैं, ऊंटों की हड्डियां, अग्रवेदिकाएं और जुते हुए खेत हम कहां से मिले हैं, हमें कालीबंगन से। ठीक है, इतने चीजों के यहां से हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। बताइए कहां पे है। देखिए अमौसी हवाई अड्डा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। ओके, ये कहां पे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, और इसको एक अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, इसको कहते हैं चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हमीम हमाम
किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? क्या है? हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। बताइए। देखिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए अकबर। ठीक है, ये हमीम हमाम जो है ये अकबर के जो शाही स्कूल था उसका मुख्य संचालक था और साथ ही साथ ये अकबर के नौ रत्नों में से भी एक था। ठीक है, अकबर के ये नौ रत्नों में से भी एक था। ओके, कौन? हमीम हमाम। क्लियर है यहां तक? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते थे? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते थे? तो आपके ऑप्शन है ए 34, बी 14, सी 44 और डी 24। बताइए। देखिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी 24। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो आपके ऑप्शन है ए एफेलियन, बी परहेलियन, सी ग्रीष्मकालीन उत्तरायण और सी शीतकालीन उत्तरायण। बताइए। देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा वो होगा ए एफेलियन। इस दौरान जो सूर्य और पृथ्वी है उसके बीच में दूरी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इनके बीच में दूरी कितनी होती है? तो वो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, औगादोगू निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? क्या क्वेश्चन है? औगादोगू निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है ए बुर्किना फासो, बी माली, सी नाइजर और डी बेनिन। बताइए। देखिए जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ए बुर्किना फासो। क्या आंसर होगा आपका? ए बुर्किना फासो। ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, जिसकी राजधानी औगादोगू है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 274,200 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 274,200 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम अफ्रीका। क्लियर है यहां तक? देखिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है, कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? क्या क्वेश्चन है? कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? आपके ऑप्शन है ए भौगोलिक उत्तरी, बी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, सी भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव और डी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्या है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। बताइए। देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्लियर है? और ये जो होता है हमारा ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, क्या पूछा है? कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो इसकी दिशा क्या है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। और ये स्थित कहाँ पे है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में। ओके, कहाँ स्थित है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में। क्लियर है? भौगोलिक उत्तरी
ध्रुव में। ओके, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव कहाँ स्थित है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1982 में स्थापित होने वाले सॉरी 1982 में स्थापित होने पर नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी और भुगतान पूंजी क्रमशः क्या थी? क्या क्वेश्चन है? 1982 में स्थापित होने पर नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी और भुगतान पूंजी क्रमशः क्या थी? आपके ऑप्शन है ए क्रमशः 500 करोड़ और 200 करोड़, ऑप्शन बी है क्रमशः 500 करोड़ और 100 करोड़, ऑप्शन सी है क्रमशः 400 करोड़ और 200 करोड़, ऑप्शन डी है क्रमशः 400 करोड़ और 300 करोड़। बताइए। देखिए, जो सही आंसर होगा वो होगा क्रमशः 500 करोड़ और 200 करोड़। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, सबला स्कीम निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है? क्या है? सबला स्कीम निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? देखिए, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 6 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के लिए, बी है किशोरियों के लिए, सी है गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए और डी है शहरी महिलाओं के लिए। चार ऑप्शन आपको मिल गए, क्वेश्चन मिल गया, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी किशोरियों के लिए। क्या सही आंसर होगा? बी किशोरियों के लिए। और ये कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2011 में। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2011 में। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। और यह स्कीम जो थी, यह किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित था। ओके, किससे संबंधित था? यह स्कीम किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित था। ओके, क्लियर है? सबला स्कीम कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2011 में। ठीक है, कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2011 में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे अगले क्विज में। जो हमारा अगला, देखिए, क्विज जो हमारा होता है वो हमारा नेक्स्ट भी जब होगा संडे को, ठीक है, नेक्स्ट संडे में जो हमारा फिर से क्विज होगा, और फिर हम इसी तरह से 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। और 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं, इनमें वैसे भी कई सारे क्वेश्चन बन के निकलेंगे, ठीक है। ये 25 से 30 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, ठीक है। आप मान लीजिए ये 30 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको 20 क्वेश्चन और ऐसे मिल जाएंगे कि इनमें से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है, इनमें से आपके भी प्रश्न बन सकते हैं। मान लीजिए यही अगर आपसे यही पूछ लेता कि सबला स्कीम जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका आंसर क्या होता? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कब शुरू की गई है? तो आपका आंसर होता कि 1 अप्रैल 2011। और किसके लिए शुरू की गई है? तो आपको बता दिया गया है कि किसके लिए शुरू की गई है, किशोरियों के लिए शुरू की गई है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? देखिए, चलते हैं, तब तक के लिए आप वेट करिए अगले क्विज का, और जो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी मिलते रहें, ठीक है, अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब तक कि वीडियो पहुँचेगी नहीं तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि हाँ, जीएस नगरी पे जो क्विज का सेशन है वो स्टार्ट हो गया। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके,